सोनू सूद ने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन में फंसे छात्रों सहित लगभग 18,000 भारतीयों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। एक्टर ने सरकार से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने की अपील की है। साथ ही साथ एक्टर ने फंसे हुए छात्रों की सलामती की दुआ भी मांगी है। एक्टर का ट्वीट वायरल हो चुका है, लोग उनके ट्वीट पर कमेंट कर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा, 18,000 भारतीय छात्रों सहित और कई परिवार जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मुझे उम्मीद है सरकार उन्हें वापस लाने की हर वाजिब कदम उठाएगी, लेकिन मैं फिर भी इंडियन एम्बेसी से वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने का वैकल्पिक मार्ग खोजने की अपील करता हूं और उनके सलामती की दुआ करता हूं। सोनू सूद के ट्वीट करते ही उनके चाहने वाले और कई सोशल मीडिया यूजर्स उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। एक यूजर ने उनके ट्वीट के कमेंट बॉक्स में लिखा, प्लीज हेल्प, आप ही मसीहा हैं, मदद कर दो, फ्लाइट भिजवा दो सर, आदि शब्द लिखकर कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटीज में कई हजारों भारतीय छात्र जगह जगह फंस गए हैं, जिसमें डर का माहौल है। इनमें अधिकतर स्टूडेंट मेडिकल के हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के साथ ही अपनी दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं। वो गरीब और मजदूर लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं है। पिछले 2 वर्षों में चल रहे COVID-19 महामारी के दौरान सैकड़ों लोगों की मदद करने के लिए उनकी काफी तारीफ ही मिली। एक्टर के चाहने वाले लोग उन्हें असली हीरो कहकर बुलाते हैं। अब देखना होगा कि सोनू सूद इन बच्चों को लाने के लिए अपनी तरफ से क्या उपाय करते हैं। सोनू सूद ने कहा है कि किसी वैकल्पिक मार्ग की तलाश की जानी चाहिए। इससे साफ है कि सोनू सूद वहां फंसे भारतीयों की मदद करना चाहते हैं। अगर भारत सरकार और भारतीय दूतावास किसी अन्य रास्ते की तलाश करता है जिससे भारतीयों को लाया जा सके, तो सोनू सूद जरूर मदद करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सरकारी सूत्रों से जानकारी ये भी आ रही है कि हो सकता है कि भारतीयों को यूक्रेन से पहले सड़क के मार्ग से पोलैंड या स्लोवाकिया ले जाया जाए और पोलैंड और स्लोवाकिया के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके भारतीय छात्रों को दिल्ली तक लाया जा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि सोनू सूद इन तमाम मुद्दों के बीच किस तरीके से मदद करते हैं।